बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के अंदर हलचल तेज हो गई है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर। आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुंबई से आज ही दिल्ली आए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो पार्टी अध्यक्ष मतलब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस इस वक्त जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस आज ही चार्टर फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली आए हैं। उनके साथ महेश जेठमलानी जो वकील भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी मुंबई से दिल्ली आए। पहले हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कानूनी सलाह ली जा रही है, क्योंकि बीजेपी कहीं कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। फूक फूक कर बीजेपी की तरफ से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है महाराष्ट्र की सत्ता में पहुंचने के लिए, और ऐसे में कानूनी सलाह लेने के बाद कहा जा रहा था कि पार्टी फिर आगे की रणनीति बनाएगी किस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुंचना है, क्या ये मुलाकात उसी दिशा में अगला कदम है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। अमित शाह से उनको मुलाकात करनी थी और खबर यह आ रही है कि इसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में कानूनी सलाह देवेंद्र फडणवीस ने ली, उनके साथ महेश जेठमलानी मौजूद रहे जो खुद भी एक वकील हैं, और इस समय देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। अब यहां से आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी महाराष्ट्र में सत्ता में आने के लिए, क्योंकि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 5 जुलाई तक बीजेपी ने डेडलाइन अपने लिए ही सेट की है महाराष्ट्र की सत्ता में आने के लिए। तो ये तस्वीर आपने देखी, जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने के लिए। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। Come here. Curiosity. Curiosity नहीं, Curiosity. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहां तक ले आया। Curiosity. ABP News, आपको रखे आगे।